दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथ ही इस वीडियो में बात करूंगा आपका मर्चेंट नेवी दोस्तों एक ज़बरदस्त वैकेंसी को लेकर के। आप सभी साथियों दोस्तों लगातार इस पर एक कमेंट कर रहे थे कि सर कोई मर्चेंट नेवी की वैकेंसी सर आई है, आप लोगों ने सुना होगा कहीं पर देखा होगा, आप लोग लगातार इसको लेकर के पूछ रहे थे। मैं भाई बता दूँ आपको, देखिए आप सभी साथी जानिएगा, इसको समझने का प्रयास करिए भाई। देखिए पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूँ जो लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सो पर्सनली आपका इंस्टा वगैरह पर भी मैसेज कर रहे थे कि सर ये इंडियन मर्चेंट नेवी की जो वैकेंसी है इसमें क्या। मेरे भाई आपको बताओ, देखो ये आपका एज आ गवर्नमेंट कोई जॉब दोस्तों आपकी नहीं होती है, पहले समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जो साथी दोस्तों लगातार गवर्नमेंट गवर्नमेंट करे तो मैं आप लोग को कोट करके बोलो भाई, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, ये भाई आपकी जो मेरीटाइम कंपनीज होती हैं उन कंपनीज़ के थ्रू दोस्तों आपकी वैकेंसीज निकलती है और उन्हीं के तरह तहत दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मल सा मेडिकल होता है दोस्तों, और आपको दोस्तों सामान को लाने ले आने का दोस्तों जो शिप्स होती है बड़ी बड़ी उस पर आपका काम रहता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें कोई आपका गवर्नमेंट से आपका कोई मतलब नहीं, मतलब आपका अटैचमेंट नहीं होता कि आपको गवर्नमेंट कोई सैलरी देगी, गवर्नमेंट आपका पेपर करवाएगी, इस तरीके की चीज़ें आपकी नहीं रहती हैं। अब देखिए इसके डिटेल्स को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा दोस्तों। ये तय आपको करना है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न के 3 दिनों के बाद आपके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आप तय करिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका किस किस प्लेस पर आपकी वैकेंसी है, ठीक है, यानी डेक रेटिंग पर है, इंजन रेटिंग पर है, सी मैन है, कुक है, मेस बॉय है और आपका इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। ये दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और आपका एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सिर्फ ओनली आपका जो मेल कैंडिडेट है दोस्तों वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल दोस्तों यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकती, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ अगर बात करूँगा आप सभी साथियों से कि आपका डेक रेटिंग की बात करूँ, यहाँ पर आपके 429 वैकेंसी, ठीक। इंजन रेटिंग की बात करें आपका 762, सी मैन की बात करें 302, कुक की बात करें 1105 यानी 1105, इसके अलावा बात करें मेस बॉय का 657, इलेक्ट्रीशियन की बात करें 316 वैकेंसी। टोटल अगर बात करूँगा आपका तो ये करीब करीब 3500 प्लस वैकेंसी आप लोगों की बन जाएंगी, ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब देखिए साथ इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा, नोट द मेस मे अप्लाई द फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई, वनली मेल्स मे कैन अप्लाई, फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई, तो फ्रेशर्स वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर बोला गया 12th क्लास रिक्रूट अवेटेड कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई, ये सारे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और 100% प्लेसमेंट इन इंडिया एंड वेरियस कंट्री, तो आपका इसमें 100% प्लेसमेंट की बात भी की गई है इंडिया और वेरियस कंट्रीज। तो देखिए ये आपको तय करना भाई, मैंने देखा है, मैं आपको बता दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रखा है कि दोस्तों कोर्स बड़े बड़े कोर्स करके आए दोस्तों मेरी टाइम यूनिवर्सिटीज वगैरह से दोस्तों, वो भी कभी कभी रह जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें लक बाई चांस होता है, ठीक है, सब चीज़ें लक बाई चांस चलती हैं। देखिए आपका एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें साथ ही आपका देखिए जनरल अवेयरनेस, ठीक है, साइंस नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के दोस्तों टोटल आपके 25-25 करके 100 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के आते हैं, ठीक है। समय आपको 2 घंटे का मिलता है, 120 मिनट मिलता है और नंबर ऑफ मार्क्स भी दोस्तों आपके 100 ही रहते हैं, आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते हैं, सभी साथियों को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगर बात करें आपका ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के, देखिए दोस्तों बात करें जितने साथी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, इन सबका सेंटर दोस्तों आपका 2 जगह रहेगा, लखनऊ और गोरखपुर, लखनऊ और गोरखपुर। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले जितने साथी, इनका जो सेंटर रहेगा वो रांची में रहेगा, कहाँ रहेगा भाई आपका रांची में रहेगा। असम, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश और जो है मेघालय का दोस्तों इनका रहेगा गुवाहाटी, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, इनका भी दोस्तों लखनऊ रहने वाला है, ठीक है। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों इनका भी कहाँ पर लखनऊ में आपका सेंटर भी रहने वाला, आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते हो। देखिए दोस्तों अगर बात करूँ आप लोग सभी साथी, ये देखिए आपका सी अरमान maritime.in, यहाँ पर दोस्तों जाकर के आप अपने अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी दोस्तों जो भी चीज़ें होंगी आपके ईमेल पर यहीं पर आपको इंटीमेट कर दी जाएंगे, आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट दोस्तों इस तरीके से आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, नॉर्मल सा है, फर्स्ट उनका जो हेड ऑफिस दोस्तों वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और ये टाइम वगैरह आपको काउंसलिंग वगैरह के लिए बता देंगे कैसे आपकी चीज़ें चलने वाली है। जनरल कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट क्या, उसके साथ कंडीशंस वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें तो आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। डिस्क्लेमर वगैरह भी दोस्तों जो आप
पर दिया, मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सभी साथी इसको बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। और आप मेरा रिक्वेस्ट होगा भाई, अगर आपको दोस्तों एकदम से सपना होगा दोस्तों आपको मेरे टाइम में काम करने का यानी मर्चेंट नेवी में जाने का, तो भाई आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, अन्यथा फिर आप लोग इसको अप्लाई मत करिएगा। जो आप लोग लगातार पूछो, देखिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो अपना चैनल दोस्तों, ये आपका अपना परिवार है डिफेंस क्लासेस, दोस्तों ये आपको एकदम बेहतरीन गाइडेंस के लिए आपके भविष्य को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम आपको गाइड करते हैं। भाई देखिए यहाँ पर मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि दोस्तों यहाँ पर मुझे आपको ये अवेयर करना है, अगर आप सभी साथी इसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका अगर एकदम इंटरेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें आपके कुछ चीज़ें आपकी बहुत ही बेहतरीन रहती हैं, ठीक है, सैलरी वगैरह तो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है कभी कभी, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों कभी कभी आपके साथ थोड़ा सा फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सतर्कता से इसमें काम करिएगा, अपने फॉर्म वगैरह को अप्लाई कर दो। अगर दोस्तों वहाँ पर देखिएगा आपसे पैसे से डिमांड की जाए तो आप बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथ।